गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 12th, चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, टॉपिक 1.8, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड मीन्स द एरिया और द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. The charge which produce the electric field, that is known as source charge. Source charge ने जो electric field produce की है उसके presence को check करने के लिए हम जो charge लेके आते हैं, that is called test charge. Is it clear? This is the simple and very similar to the gravitational field. वहाँ पर source mass था और test mass था. Okay? Now consider कि एक सोर्स चार्ज है दैट इज़ प्लेस्ड एट द पॉइंट ए. यहाँ से आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट पी लिया जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा विद द फोर्स एफ. तो फोर्स एफ का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर? नाउ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, फार्मूला याद करना बेटा, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, क्यू एज इट इज क्यू से क्यू कैंसिल किया गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तीन चीज़ नोट की मैंने यहाँ पे, कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एफ अपॉन क्यू. आफ्टर दैट मैन फार्मूला, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, इट्स ऐसा यूनिट इज, बट आप सबको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम. दैट्स वाई इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू, और चार्ज की होती है ए वन टी वन. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वान्टिटी है बेटा, वैक्टर क्वान्टिटी होती है. वैक्टर क्वान्टिटी क्या चाहिए, डायरेक्शन. पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ रहेगी, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इनवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्या चाहिए, डायरेक्शन. पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड. वेन एवर यू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई. इज इट क्लियर? फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरियम. प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg, और चार्ज होता है प्रोटॉन के दैट इज इक्वल टू द ई. ओके, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस है जिसका सिंबल होता है 2He4. ये जो नंबर होता है ना बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, इसलिए लिखा है मैंने 2E, और ये रिप्रेजेंट करता है मास को, 4 times मास ऑफ प्रोटॉन. ड्यूटेरियम दैट इज द सेकेंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन. मैंने क्या बताया था, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास. इज इट क्लियर? नाउ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई. फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए. नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बाई यूजिंग द थ्री फार्मूलाज. फर्स्ट यू कैन राइट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा. नाउ नेक्स्ट वन है इन केस ऑफ बैलेंसिंग. अगर वर्ड आता है बैलेंसिंग, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई. एफ इज रिप्लेस बाई एम जी. डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इंटू जी इंटू, ठीक है. नाउ इज इक्वल टू क्यू क्या है, एन ई. एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ रो एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3πr³. जी इज इक्वल टू एन ई ई. अब बेसिकली आपको पता लग गया होगा, मैन फार्मूला आपके पास में यह है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हमें वैल्यूज को पुट करना है. अच्छा, मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या चाहिए, डायरेक्शन. पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड. इज दैट क्लियर? थैंक यू.